subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बंद हुआ है लगभग 34,782 पे, लगभग 61 पॉइंट गेन के साथ. और यह शुरू करते हैं हम एनालिसिस बड़े चार्ट से. तो मंथली चार्ट देखेंगे पहले. तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 20 मंथ का जो एवरेज है वह सपोर्ट लेने की शुरुआत की है. और यह क्लियर कट हम बाउंस बैक देख रहे हैं और ये आगे चल के भी कंटिन्यू हो सकता है. जिस तरह से ये प्राइस पैटर्न दिख रहा है, मुझे लगता है कि हम जो है तो शायद ऊपर की तरफ ही जाएंगे एज पर मंथली चार्ट. यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ आपको 35,800 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है. उसके ऊपर जाते हैं मंथली क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको जो है तो फिर से 40,000 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है इन लॉन्गर टर्म. तो यहाँ मेजर हर्डल है ऑन मंथली चार्ट 35,800 का, जिस जहाँ से हम जो है लगभग 3 बार नीचे आ चुके हैं. मंथली चार्ट पे इंडिकेटर वाइज जो है तो अभी भी करेक्टिव पैटर्न्स हैं. मगर यहाँ जो है तो जब तक बैंक निफ्टी 33,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं. जो लॉन्ग्स है या जो इन्वेस्टर है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं. उसके नीचे जो है तो डीपर करेक्शन शुरू होगा. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ जो है तो उसने जो हमारे टारगेट थे वो सभी अचीव कर लिए हैं. और यहाँ जो है तो रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड कर रहा है. अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता है तो 35,700 के ऊपर जाता है तो आपको जो है तो अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म. यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ अगले हफ्ते के लिए 35,300 से लेकर 700 के रेजिस्टेंस है. उसकी तरफ हम फिर से एक बार कोशिश कर सकते हैं बढ़ने की. हमने यहाँ 100 वीक का जो एवरेज हुआ सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया है तो ये आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है. अगर हम 35,700 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देते हैं तो आपको जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है. वीकली चार्ट पे जो है तो इंडिकेटर जो है तो ओवरसोल्ड रीजन को अप्रोच कर रहे हैं. तो यहाँ से मोस्टली अपसाइड ज़्यादा दिख रहा है मगर ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो वो पहले पार करने पड़ेंगे बैंक निफ्टी को. अगर वो पार होते हैं तो आपको जो है तो एक अच्छी खासी रैली, अच्छे खासे गेंस इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म देखने को मिल सकते हैं. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत जो है तो वीकनेस के साथ की थी. वहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी रैली देखी. हमने 200 डेज का जो एवरेज है उसको टच किया. वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गिरा. अभी यह बैंक निफ्टी जो है तो अभी भी जो है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन बाकी है क्योंकि यहाँ जो है तो इसने सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है. मेजर जो निचले सपोर्ट है, अगर बैंक निफ्टी 34,600 के नीचे स्लिप करता है तो आपको 34,300 से लेकर 34,000 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है. अगर उसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, 34,600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपके जो अगले हफ्ते के लिए टारगेट रहेंगे वो 35,450 और उसके बाद में जो है तो 36,000 के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है. तो अगले हफ्ते के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो 34,600 का लेवल है. वो आपको क्लोजली डेली बेसिस क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करना है. उसके ऊपर आपके जो टारगेट बनेंगे बैंक निफ्टी में वो 35,450 के और 36,000 के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है. यहाँ अगर हम 34,600 के नीचे स्लिप करते हैं तो आपको एक बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिखेंगे. उसमें जो है तो 34,300 से लेकर 34,000 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है. यहाँ ऑप्शन ट्रेड और यहाँ जो है तो जिस तरह से निफ्टी में प्राइस पैटर्न है, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर के लेवल ही जाएंगे. तो यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस बनता है, जो लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस बनता है 34,600 के नीचे. तो आप एक स्टॉप लॉस 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसके नीचे रखिए और आपके जो टारगेट बनेंगे वो 35,450, 35,700 और 36,000 के लेवल आप अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई विल मोस्टली बेटिंग ऑन लॉन्ग साइड. ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 34,600 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए. उसमें डिप्स पे एक्युमुलेशन कीजिए. आपको जो है तो उसमें फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं. और यहाँ जो है जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा उस ऑप्शन का डेल्टा जो है तो बढ़ता जाएगा.
तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम पे फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी बट यू विल गेट हायर रिटर्न देन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। और उसमें जो है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन में एक एडवांटेज ये रहता है कि उसमें टाइम वैल्यू कम रहती है, तो अगर मार्केट फ्लैट भी होता है और ज़्यादा गेन भी नहीं या फिर फ्लैट होता है या कंसोलिडेट होता है तो उसमें आपको सिर्फ आपका टाइम वैल्यू लूज होता है ना कि इंट्रेंसिक वैल्यू, तो वो एक एडवांटेज रहता है इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। और उसमें जो है तो एक पॉइंट के बाद आपको फ्यूचर के जैसे प्रॉफिट होने लगते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज रहता है कि कम कैपिटल पे आपको फ्यूचर के जैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि मल्टी ज़्यादा लॉट्स नहीं लेने, उसको फ्यूचर के जैसे ट्रेड करना है। तो फ्यूचर में हम जिस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं एक दो लॉट, तो उस तरह से ही उस ऑप्शन को ट्रेड करना है। अगर आप मल्टीपल लॉट लोगे तो आपकी रिस्क ज़्यादा रहेगी, और अगर मार्केट घूम जाता है या फिर साइडवेज भी जाता है तो टाइम वैल्यू जो है तो लूज होती है, और मल्टीपल लॉस लॉट होने की वजह से लॉसेज जो है तो बड़े हो सकते हैं। तो उसको कम लॉट में जिस तरह से फ्यूचर को ट्रीट करते हो उस तरह से इन द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को ट्रीट करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अगले हफ्ते के लिए मेरा बुलिश व्यू रहेगा, जब तक बैंक निफ्टी 34,600 के ऊपर है मेरा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स, टारगेट रहेंगे 35,450, 35,700 और 36,000 के टारगेट में लेकर चलूँगा। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।